बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं नुसरत नदीम चंदा को खाओ से एक बार फिर न्यू रेसिपी के साथ। उम्मीद है पिछली रेसिपीज हमारी आपको पसंद आई होंगी, और आपको बहुत बहुत थैंक्स जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब किए हैं। और इसके बाद आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है जी निहारी। ठीक है, पहले मैंने निहारी की रेसिपी एक दफ़ा पहले बनाई हुई है और वो आपने शायद देखी होगी, वो निहारी मसाले के साथ रेसिपी बनाई हुई है। ठीक है, शान का निहारी मसाला था, उसके साथ बनाई है। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने मसाले वाली निहारी देखनी हो जो बने बनाए मसालों के साथ बनाई जाती है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आज जो बनाने जा रही हूँ वो घर के मसालों से निहारी बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए हमने 2 किलो गोश्त लिया। ठीक है, ये बड़ा गोश्त है, मीट है ये। इसके अंदर हमने ये देखे, ये हड्डी है इसकी, इसमें से जो गूदा निकलता है ये निहारी में जाता है, ये बहुत ही मज़े का लगता है। ठीक है, और मछली की बोटियाँ, निहारी का गोश्त अगर आप कहेंगे ना उनको, तो बोंग और मछली की बोटियाँ इस तरह वो आपको देंगे, ये देखिए इस टाइप की। और साथ में ये हड्डियाँ इसके साथ थोड़ी बहुत, और बाकी ये सारी बस बोटियाँ हैं इसके साथ, और एक दो बीच में हड्डियाँ, और ये बड़ी 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 हड्डी भी इसके साथ लाजमी जाती है निहारी, क्योंकि इससे निहारी बहुत मज़े की बनती है। और इसके बाद हम जो मसाले डालेंगे वो आपको बता देते हैं। जो घर के मसाले हमारे, हम जो इंजन को पीसना है हमने, उसमें हमारे पास धनिया पाउडर है, ये साबुत धनिया, इसमें आप साबुत भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये जायफल पाउडर है। ठीक है, जायफल साबुत भी ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह, मेरे पास पाउडर शेप में था तो मैंने पाउडर शेप में दे दी है। इसके बाद 1 टेबल स्पून हमारे पास जीरा है, 3 से 4 हमारे पास सिनेमोन, मतलब ये दालचीनी की ये डंडियाँ सी हैं, 4 से 5 हमारे पास लौंग है, 2 हमारे पास बड़ी इलायची है, 4 हमारे पास छोटी इलायची है। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास ये देखें 2 अदद ये बादियान के फूल हैं, ये डालेंगे इसके अंदर। ये 2 हमारे पास ये जो इसके होते हैं के छिलके से, जब इतनी के फूल टाइप होते हैं ये, वो हैं। ठीक है, ये 2 हमने ये ले लिए हैं। 1 टीस्पून हमने काली मिर्चें ली हैं, साबुत काली मिर्चें, ये सारी पिस जाएंगी। ये 1/2 टीस्पून हमारे पास जायफल पाउडर है। ठीक है, और 1 टेबल स्पून हमारे पास धनिया पाउडर है, और ये जीरा है 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें ये पीसेंगी, हमने इसको मतलब ग्राइंडर में डाल के हम पीस लेंगे। उसके बाद हमारे पास 1 पाव दही है, हमारे पपास, और 3 टेबल स्पून हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास ये 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, हम नमक हसबे जायका, 1 टीस्पून हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून हमारे पास दूसरी वाली जो रेड चिली पाउडर होता है वो है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जी हमने ये देखें, ओके गाइस, ये सबसे पहले हमने कुकर लिया, कुकर के अंदर हम ये गोश्त डाल देंगे, ऑयल डला हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये हमने गोश्त को डाल देना, ये 2 किलो गोश्त है हमारा। तो हमने ज़रा इसके अंदर ना गोश्त को अच्छे से ज़रा भून लेना है, इसके अंदर ज़रा हम गोश्त को लाल कर लेंगे और इसका कलर ज़रा वाइट सा हो जाएगा। ठीक, गोश्त हमने उधर डाल दिया, गोश्त का जो पानी है वो हमने खुश करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये जो हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसके अंदर भी हमने पैन में ऑयल डाला है। ठीक है, हमने तकरीबन 1.5 पाव ऑयल लिया, आधा हमने कुकर में डाला, आधा हमने इस पैन में डाल दिया। अब इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और हमारा 3 मिनट का पहले से गर्म हमने किया होता है। ये देखिए, अब इसके अंदर हम इसको ज़रा अदरक लहसुन को अच्छे से भूनेंगे, कि जब तक हमारा अदरक लहसुन हो रहा है तब तक हम ये जो अपने ये वाले मसाले हैं इनको हम इसमें ग्राइंडर में डाल के, ठीक है, इनको सारे सबको इकट्ठा करके हम ग्राइंडर में डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे। ठीक है, ये हमारा निहारी का मसाला तैयार हो जाएगा। ये हमारा देखिए अदरक लहसुन हमारा गोल्डन सा हो गया, अब इसके अंदर हम ये मसाले डाल देंगे। ठीक है, ये हमने डाल दिए, इसके साथ ही हम इसके अंदर ये दही डाल देंगे।
हाँ, इधर अंदर हमने दही डाल दी है, ठीक है। ये देखिए इसमें दही डाल दी है, अभी इसको हम अच्छे से भुनेंगे मसाले को, ये देखिए। और इधर से ये हमारा मसाला, अच्छा पीस लिया, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि सारा ये हमारा निहारी का मसाला तैयार हो गया, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये किस वक्त डालना है। गाइस ये देखें, ये हमारा मसाला भुन चुका है, ठीक है। ये दही का पानी खुश्क हो गया, अब इसके अंदर जो हमने ये मसाला पीसा था तो ये हमने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून मसाला रख लिया बाहर, वो हम बाद में एंड में डालेंगे, पहले हम ये मसाला जो है इसको हमने इसमें डाल दिया और इसको हम अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। बहुत ही मज़े की झटपट निहारी तैयार होगी। ये देखें, ये हमारा जो गोश्त है ये भुन चुका है, ठीक है। ये देखें इसका पानी खुश्क हो गया, ऑयल नज़र आ रहा है नीचे। अब हमने यहाँ पर जो स्टेप हमने करना है, अब ये जो मसाला है ना ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें हमारी भुन चुकी हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हमने मसाला डाला है, हम ज़रा मसाले को मिक्स करने के लिए हम 3 से 4 मिनट इनको देंगे थोड़ा सा भूनने के लिए, वरना तो गोश्त हमने अलग से भूनना है, मसाला हमने अलग से भून लिया है। ये देखिए थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे इसी तरह, उसके बाद फिर हम इसमें भी पानी डालेंगे, फिर हम आपको बताते हैं कि भी आगे क्या करना है। 3 से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे इसके साथ मसाले के साथ, ताकि मसाला और गोश्त आपस में मिक्स हो जाए। ओके गाइस, ये देखिए ये भून चुका है हमारा, ठीक है। गोश्त ये देखिए शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। ऑयल आपको इस वक्त ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम ये ऑयल निहारी में हमेशा ज़्यादा होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जब ये निहारी हमारी बन जाएगी फिर उसके बाद हम ऊपर से ऑयल निकालेंगे और इसके अंदर हम जो आटा शाटा मिक्स करना होगा वो हम मिक्स करेंगे बाद में, लेकिन अभी पहले हम इसके अंदर आप पानी डालेंगे। आप देख लें आपने कितना पानी डालना है, आपका कुकर जल्दी गोश्त गला देता है या आपका गोश्त कैसा है, तो उस हिसाब से आपने पानी डालना है, ठीक है। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 से 2 लीटर पानी डाला है, ठीक है। कुकर हमारा 20 से 25 मिनट के लिए बंद हो जाएगा, फिर इसकी अभी हम फिर इसको खोलेंगे, फिर आपको इसकी शक्ल दिखाते हैं। ओके ओके गाइस, ये देखें निहारी हमारी गल चुकी है, इसका गोश्त हमारा गल गया, निहारी हमारी बन गई है। इसके ऊपर जो तरी थी वो हमने निकाल ली है, ठीक है। ये देखें ये हमने ना ये इधर देखें ये तरी हमने ऊपर से निकाल ली है, क्योंकि अब हम इसके अंदर आटा डालेंगे, ठीक है। ये हमने 2 टेबलस्पून हमने ये लिया है ये मैदा, ठीक है। मैदे को हमने, आप चाहें तो गंदम का आटा भी ले सकते हैं, चाहे तो मैदा ले लें। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैदा लिया और उसमें पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, जैसे आप कॉर्नफ्लोर में डालते हैं, कॉर्नफ्लोर डालते हैं ना कॉर्न सूप में, उस तरीके से हम डालेंगे और देखते जाएंगे कि हमें कितनी गाढ़ी निहारी चाहिए। हमने ऑयल इसलिए निकाल लिया क्योंकि जब निहारी में हम ये घी ये आटा डालते हैं तो इसकी तरी सारी ख़त्म हो जाती है, और आपको पता है निहारी में तो तरी से ही तो सारी निहारी की लुक अच्छी आती है, ठीक है। तो ये अब हम इसमें डालेंगे और हम देखते जाएंगे, हमारे घर में गाढ़ी खाई जाती है ये निहारी, कुछ लोग पतली खानी पसंद करते हैं, थिन बनाते हैं तो वो अपने हिसाब से बना लें, लेकिन हमारे घर में इस निहारी जो है वो थिक पसंद की जाती है। ये हमने डाल दिया, ये देखें आपके सामने ये ठीक होगी काफ़ी। अब हम 4 से 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे, ताकि ये हमारा ज़रा आटा जो हमने डाला है ना ये पक जाए, ठीक है। ये मैंने मैदा डाला है इसके अंदर, ये देखें। अब हम इसके ऊपर ढक्कन देंगे और इसको 4 से 5 मिनट के बाद हम आपको इसकी लुक चेक कराते हैं, ठीक है। ओके गाइस, ये देखें निहारी हमारी गल चुकी है, इसका गोश्त हमारा गल गया, निहारी हमारी बन गई है। इसके ऊपर जो तरी थी वो हमने निकाल ली है, ठीक है। ये देखें ये हमने ना ये इधर देखें
ये तरी हमने ऊपर से निकाल ली है क्योंकि अब इसके अंदर आटा डालेंगे, ठीक है। ये हमने 2 टेबलस्पून हमने ये लिया है ये मैदा, ठीक है। मैदे को हमने, आप चाहें तो गंदम का आटा भी ले सकते हैं, चाहे तो मैदा ले लें। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैदा लिया और उसमें पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, जैसे आप कॉर्नफ्लोर में डालते हैं, कॉर्नफ्लोर डालते हैं ना कॉर्न सूप में, उस तरीके से हम डालेंगे और देखते जाएंगे कि हमें कितनी गाढ़ी निहारी चाहिए। हमने ऑयल इसलिए निकाल लिया क्योंकि जब निहारी में हम ये घी ये आटा डालते हैं तो इसकी तरी सारी ख़त्म हो जाती है, और आपको पता है निहारी में तो तरी से ही तो सारी निहारी की लुक अच्छी आती है, ठीक है। तो ये अब हम इसमें डालेंगे और हम देखते जाएंगे, हमारे घर में गाढ़ी खाई जाती है ये निहारी। कुछ लोग पतली खानी पसंद करते हैं, थिन बनाते हैं तो वो अपने हिसाब से बना लें, लेकिन हमारे घर में इस निहारी जो है वो थिक पसंद की जाती है। ये हमने डाल दिया, ये देखें आपके सामने ये थिक होगी काफ़ी। अब हम 4 से 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे ताकि ये हमारा ज़रा आटा जो हमने डाला है ना ये पक जाए, ठीक है। ये मैंने मैदा डाला है इसके अंदर, ये देखें। अब हम इसके ऊपर ढक्कन देंगे और इसको 4 से 5 मिनट के बाद हम आपको इसकी लुक चेक कराते हैं, ठीक है। देखें, साथ हमने ये रोटी रखी है बास्केट में, साथ हमने ये डाला, अब इसके ऊपर से हम ऐसे तरी डालेंगे, ठीक है। ये देखें, ये देखें जी, अब इसके साथ जो इसके मसाले जाए वो जो ऊपर गार्निश के लिए हम डालेंगे वो है जी, ये देखें, इसके साथ हम इसके ऊपर अदरक डालेंगे, ये देखें, और थोड़ी सी हम इसके साथ हरी मिर्चें ऊपर ऐड करेंगे, थोड़ा सा आप चाहें तो 2-3 पत्ते हरे धनिया के डाल लें, और साथ में इसके ऊपर आप नींबू निचोड़ेंगे, ठीक है। ये देखें नींबू साथ, और ये मसाले इसके कटे हुए होते हैं, ठीक है, ये हम आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये हरी मिर्चें हमने रखी हुई हैं काट के, इसके साथ नींबू जाते हैं, अदरक जाता है कटा हुआ बारीक कटा हुआ अदरक, और हरा धनिया अगर आपने डालना है, ऑप्शनल है, हरा धनिया डालना है तो डाले, नहीं डालना तो ना डालें, ठीक है। ये हमारी जी मज़ेदार सी निहारी रेडी हो गई है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी, रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसके साथ ही मुझे नुसरत नीम पचंदा को खाओ से इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।